हेलो फ्रेंड्स, हम चर्चा कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार बहुत सारे वीडियो मिलते रहे। मैंने अभी 500 550 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए जीके के, जो आप मेरी प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और इसी प्रकार मैं आपको कम से कम 1000 क्वेश्चन जरूर प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपको जीके को लेकर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो सके। दूसरे चैनल हैं जो आपको प्रोवाइड कराएंगे, बट वो 200 400 वीडियो जीके के देंगे, बट मैं आपको कंप्लीट वीडियो दूंगा, जिससे आपको सारी जानकारी हो सके जीके के बारे में। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? बुंबई में 1875 में। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। किसके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? भारत के राष्ट्रपति मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्मदिन को। ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्रांबे, मुंबई में। ठीक, सन 1982 में बारदोली आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? सरदार पटेल ने। और ये बात आप याद रखिए कि बारदोली में के आंदोलन के नेतृत्व जो सरदार पटेल ने किया था, तो पटेल को ही सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया था। ये बात गलत है, आप गूगल करके देख लीजिएगा कि ये बात मैं जो बता रहा हूँ वही सही है। ये लोगों को ये कन्फ्यूजन है लोगों को कि महात्मा गांधी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी, जबकि वो उन्होंने बाद में दी थी, इसके पहले बारदोली की महिलाओं ने उन्हें प्रोवाइड कराया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। मुगल वंश की संस्थापना किसने की थी? बाबर ने। भारत की पहला महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टम। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में। और चाइना मैन गेंदबाज कौन है भारत के? कुलदीप यादव, ये भी ध्यान रखो साथ में। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। बिस्मिल्ला खान का संबंध किस वाद्य से? शहनाई से। ऑस्कर पुरस्कार संबंध किस फिल्म से थे? फिल्म से। 2018 का ऑस्कर फुल बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? गेरी ओल्डमैन को। ठीक है, और फिल्म कौन सी है? द शेप ऑफ वाटर। ठीक है, एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डिफेंसिस सिंड्रोम। ठीक है, ये एचआईवी वायरस के कारण होता है। ठीक है, जलियांवाला बाग की गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। पटना के प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। ठीक है, दिल्ली के लाल किला किसने बनवाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में। आगा खां किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। ठीक है, बांदीपुर। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वॉट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इटली निवासी मार्कोस कोनी ने। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। फिर किसी भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की। ठीक है, आज चलिए यहीं खत्म करते हैं, फिर नया वीडियो लेके आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए बाय, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स।